हरियाणा सरकार ने ऐसे बीपीएल परिवारों को 1000 किलोमीटर प्रति परिवार की दर से रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा की अनुमति प्रदान करने की योजना बनाई है, जिनकी वार्षिक आय 1 लाख से कम है। हरियाणा के ऐसे लाखों परिवारों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। हरियाणा रोडवेज की बसों में वह कहीं भी 1 वर्ष में 1000 किलोमीटर मुफ्त यात्रा कर सकेंगे। ऐसी अनोखी योजना के लिए बीपीएल परिवारों को बकायदा एक कार्ड दिया जाएगा, जिसे हैप्पी कार्ड स्कीम का नाम दिया गया है। उसी कार्ड के माध्यम से परिवार के सदस्य 1000 किलोमीटर की यात्रा प्रति वर्ष कर सकेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी इस योजना का करनाल में शुभारंभ करेंगे। 7 जून को मुख्यमंत्री जहां करनाल में कार्यक्रम करेंगे, वहीं पूरे हरियाणा के सभी बस अड्डों पर इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और लाभार्थियों को कार्ड दिए जाएंगे। रोडवेज अधिकारियों का कहना है कि कहीं बस अड्डे पर जाकर प्रूफ देकर सभी तरह के इस तरह के कार्ड बनवाए जा सकते हैं। क्या है योजना, किस तरह से मिलेगा लाभ, यह जानकारी दे रहे हैं रोडवेज के वरिष्ठ अधिकारी, यमुनानगर रोडवेज के महाप्रबंधक संजय रावल विभाग की जानकारी देते हुए। सर, जो कल कार्यक्रम होने जा रहा है, सरकार की क्या कल्याणकारी योजना है? मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि हरियाणा सरकार ने हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन सेवा, जिसको हम हैप्पी कार्ड स्कीम भी कहते हैं, वो स्टार्ट तो लगभग 2-3 महीने पहले ही कर दी थी हमने, जिसमें बीपीएल परिवारों को 1000 किलोमीटर तक की मुफ्त यात्रा उपलब्ध कराई जाएगी इस कार्ड के माध्यम से। तो ये हम जो कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन है, ये कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन तो पिछले 2 महीने से चल ही रहा है हमारे यहाँ, लेकिन इसको एक बड़ा रूप देने के लिए सरकार ने 7 तारीख का दिन तय किया है, जिसमें एक बड़े लेवल का फंक्शन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में करनाल में होने जा रहा है, जहां लाभार्थियों को, जो बेनिफिशरीज हैं, उनको ये कार्ड वितरित किए जाएंगे। और इसके अलावा बाकी सभी ज़िलों में बस स्टैंड पर ये फंक्शन जिला स्तर पर आयोजित किया जाएगा, और जिसमें अलग अलग माननीय चीफ गेस्ट रहेंगे, उनके नेतृत्व में इन लाभार्थियों को हैप्पी कार्ड वितरित किए जाएंगे। यमुनानगर की बात करें तो यहाँ कौन चीफ गेस्ट रहेंगे? यमुनानगर में माननीय कृषि मंत्री श्री कौरपाल जी मुख्य अतिथि रहेंगे, और उनको मुख्य अतिथि के तौर पे यहाँ पे बुलाया जाएगा। और जो सीएम साहब का जो प्रोग्राम रहेगा करनाल पे, उसका पूरा लाइव टेलीकास्ट बाकी सभी ज़िलों में भी दिखाया जाएगा। और मैं सभी जनता से, स्पेशल जो बीपीएल परिवार हैं, उनसे मैं अपील करता हूं कि वो अधिक से अधिक संख्या में आके सरकार द्वारा संचालित की जा रही इस योजना का लाभ उठाएं और यहां पर आएं। और यहां पे बैठने का भी पब्लिक का मैंने पूरी तरह से प्रबंध किया हुआ है, ठीक है, तो लोग आराम से यहां पे कल अपना कार्ड बनवाएं और सरकार की इस स्कीम का लाभ उठाएं। तो इसमें सर कैसे स्कीम काम करती है? इसमें मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि स्कीम कुछ इस तरह से काम करती है कि जब बीपीएल परिवार इसमें अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो उनका एक एचआर नंबर और एक रेफरेंस नंबर जनरेट होता है, वो लेके वो मोबाइल नंबर में हमारे पास आते हैं। उसके साथ वो 50 रुपये की फ़ीस लेके आते हैं, अपना आईडी कार्ड प्रूफ लेके आते हैं, और इसके साथ साथ वो अपना आधार कार्ड साथ में लेके आते हैं, फैमिली आईडी साथ में लेके आते हैं। इन सभी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर हम उनका ये जो हैप्पी कार्ड है, जिसमें 1000 किलोमीटर तक की मुफ्त यात्रा है 1 साल के लिए, वो हम उसको वितरित करते हैं। सर, जो 1000 कहीं भी उन, मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि 1000 किलोमीटर तक की यात्रा वो सभी जगह उनको उपलब्ध है, वो कहीं भी जा सकते हैं 1000 किलोमीटर तक की 1 साल में सफ़र कर सकते हैं बस। तो सर, अब तक जो है कितने लोगों के जो कार्ड बन चुके? मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में अब तक लगभग 2000 से अधिक लोगों को हम ये कार्ड वितरित कर चुके हैं, और दिन प्रतिदिन लगभग 150 से 200 कार्ड हम वितरित कर रहे हैं। और कल हमें उम्मीद है 7 तारीख को, क्योंकि सरकारी फंक्शन है, बड़े लेवल का फंक्शन है, तो हमें उम्मीद है कि लगभग हम कल इस आंकड़े को 1000 तक पहुँचाएंगे, हज़ारों में पहुँचाएंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस स्कीम का लाभ उठा सकें।